नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में एक BUMS डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से 6 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है, जहां बच्चे के परिजनों ने BUMS डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डॉक्टर नितेश जैन ने बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया, जिसे लगाते ही वंश तड़पने लगा, जिसके बाद बच्चे को निजी चिकित्सालय के बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जलन पड़ने लगी और मुझसे बोला कि पापा मेरी छाती में बहुत तेज जलन पड़ने लगी और उसके मुंह से फेस आने लगा और फिर उसको उल्टी हुई और उल्टी आने के बाद पूरा काला पड़ गया। काला पड़ने के बाद बस वो वहीं पर उसने गर्दन डाल दी। मवाद और ऐसे लग रहा था इन्फेक्टेड वुंड, तो उस हिसाब से मैंने उसको एक टिटनस का इंजेक्शन लगाया था और लगाने के बाद उसको अचानक वो बच्चा रोया, झटके भी आए और उसको उल्टी होने लगी। उल्टी हुई उसके बाद एकदम से वो थोड़ा सा बच्चा, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है उल्टी उसकी सांस लेने में कहीं अटके, तो मैंने उसको बोला तुरंत आप बड़ी जगह पे ले जाइए, है ना। मेरे पास की उम्र है बच्चे की, उनका इलाज हेतु ये गोलगांव श्योपुर थाने से यहाँ सिवनी मालवा आए थे, तो पहले उन्होंने कोई डॉक्टर जैन है ईदगाह के पास उनको दिखाया, तो वहाँ पर उनका कुछ इलाज हुआ, उससे उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, तो उसको लेके फिर बता रहे हैं कि बघेल हॉस्पिटल गए, फिर यहाँ लाए हैं सरकारी हॉस्पिटल में। हमें तहरीर गई थी कि एक बच्चा इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, हम आए तो उसका PM कराया जा रहा है। इस संबंध में PM कराने के बाद जो भी कार्रवाई होगी, मर्ग कायम कर लिया है और अपन उचित और वैधानिक कार्रवाई करेंगे।